जिस तरह यह सरकार लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों का दमन कर रही है, उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा रही है, निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ बनेगी, उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगी। ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में एक बार फिर से आप लोगों का खाता नहीं खुला, उससे आगामी विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष होने के नाते कितना मुश्किल ये मान रहे हैं, इसका कुछ असर बुरा पड़ेगा क्या? देखिए, दिल्ली में जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से जनता का जो जनादेश होता है वो सिरोमोड़ होता है। जहाँ तक दिल्ली का चुनाव है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की हार हुई है जिन लोगों ने सत्ता के दम पर, अहंकार के दम पर पूरी सरकार मशीनरी का गलत दुरुपयोग करते हुए वहाँ जिस तरह का माहौल बनाने का काम किया, निश्चित रूप से जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत मिला, इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई। यूपी की लड़ाई मुश्किल नहीं होने वाली है? नहीं, यूपी में जिस तरह हम किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, आम लोगों की आवाज़, गरीब शोषित वंचित लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जनादेश देने का काम करेगी।